राष्ट्रीय जन लोक पार्टी सत्य की तरफ से आज अलीपुर के शहीद स्मारक में सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें कि 200 के लगभग लोगों को पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया और साथ ही उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि शुरुआत में गणेश वंदना से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी और फिर शहीद समारोह में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि देकर प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष भाई शेर सिंह राणा द्वारा इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। साथ ही पार्टी में काफी सदस्य जुड़े, सभी शेर सिंह राणा जी का फूल मालाओं से स्वागत किया और साथ ही भरोसा जताया कि आने वाले निगम के चुनाव में वह अपनी पूरी मेहनत करेंगे, वह जैसे ही पार्टी का निर्देश होगा वैसे ही वह चलेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक सतपाल सिंह सिसोदिया वंश की पुत्रवधु विभा चौहान ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की। पार्टी ने वार्ड नंबर 2 नरेला विधानसभा से पार्टी की तरफ से टिकट भी दिया गया था। कहीं ना कहीं अब दिल्ली में चुनाव ढीले हो गए हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा जब भी चुनाव होंगे कि मैं अपने क्षेत्र में तमाम समस्या को देखते हुए निगम का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही सतपाल सिंह सिसोदिया को भी दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया है, जो कि दिल्ली में अपने जी जान से मेहनत करेंगे और पार्टी को कहीं ना कहीं जिताएंगे। साथ ही क्या कुछ कहना है पार्टी अध्यक्ष शेर सिंह राणा का और सतपाल सिंह सिसोदिया व उसकी पुत्रवधु चौहान का। आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने दिल्ली प्रदेश में, मतलब दिल्ली प्रदेश का एक कार्यक्रम रखा है, जो सतपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनके द्वारा और पूरे जो संगठन के लोग हैं उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो आने वाले MCD के चुनाव हैं तो उसके बारे में चर्चा करना और कई जो हमारी काम को देख के पार्टी के काफ़ी सारे जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो आज पार्टी में शामिल होंगे विधिवत रूप से, तो उनका स्वागत के लिए और विचार विमर्श के लिए आगे किस प्रकार से दिल्ली में लोगों की सहायता करते हुए काम को करना है, तो उसी सब चीज़ को लेकर आज ये कार्यक्रम। मेरा नाम सतपाल सिंह सिसोदिया है। सिसोदिया जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम किया गया उसके बारे में? आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का एक सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया है, जो कि अलीपुर शहीद स्मारक के बीच में हो रहा है। यह कार्यक्रम जो MCD के चुनाव में जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई थी तो हमारी इसमें पुत्र वधु ने चुनाव में भाग लिया था, और इस वार्ड नंबर 2 के अंदर जितने भी कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी के कार्य को देखते हुए, उनके मान सम्मान को देखते हुए, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव में भाग लिया था, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान के रूप में हमने एक कार्यक्रम को रखा है। मुख्य अतिथि कौन थे? जिसमें आज हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। उन्होंने हमारे सभी कार्यकर्ताओं का पटका पहनाकर फूलमाला के द्वारा उनका भारी बहुमत से भी और वैसे भी उनका सम्मान किया सभी का। इसके साथ जुड़ने का उद्देश्य क्या है? अभी तक जो पार्टियां आई हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में 3 साल से अभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। यहां पे मैंने भी इस पार्टी की कुछ नीतियों को देख करके, भाई शेर सिंह राणा के नीतियों को और उनके मुद्दों को देख करके उनकी पार्टी को, उनकी नीतियों को ज्वाइन किया है, और जिसमें मुझे आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। MCD जो चुनाव आएंगे, क्या 250 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? यह पार्टी और हम सब लोग अब आगे आने वाले चुनावों के समय बैठ करके डिसाइड करेंगे कि कहां कहां पर हमने किसी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ना है, या हम अकेले ही अपने दम पर सभी सीटों पर अपना चुनाव लड़ेंगे, यह आने वाले समय में ही बताएंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर करीब 200 लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, जिन्होंने उनकी सदस्यता ग्रहण की है। भाई शेर सिंह राणा जी ने उन सभी लोगों को पटका और टोपी पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई है, और मैं उनका आज इस कार्यक्रम में भाई शेर सिंह राणा जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं, और मैं उस कार्य को, उनकी पार्टी की नीतियों को आगे भविष्य में ले सही मार्गदर्शन पर ईमानदारी से उनकी पार्टी का काम करूँगा।